मैडम जी की पाटाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाटाला। अंग्रेजी का निकले दीवाला, ये मैडम जी की पाटाला। हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाटाला, ये मैडम जी की पाटाला, ये मैडम जी की पाटाला। तो कैसा आदमी लाके बिठा दिया इसको, अंग्रेजी नहीं पता है? अब हमको हिंदी में समझाना पड़ेगा इसको। अरे परपाटी मतलब जमीन जायदाद को जो है अंग्रेजी में परपाटी कहते हैं। अच्छा तो आप प्रॉपर्टी कह रहे हो? अरे हमको तो पता था, हम देख रहे थे, इसको पता है कि नहीं। अच्छा सुनिए सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब ये जो पैसा है ना आपके पास बहुत सारा हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि आप हर शहर में 10-10 एकड़ जमीन ले लोगे। 10-10 एकड़ जमीन? चमेली जी, चमेली जी, अगर आप आदेश दे तो मैं आपके लिए एक 9 लक्खा हार बनाने का आर्डर दे दूं क्या? आदेश दे दिया, ज्यादा बकर बकर की ना तो मुंह तोड़ देंगे हम। चमेली जी, कानून को आप हाथ लगाएंगी तो कानून हरकत में आ जाएगा। पंडित, हाँ, कल जब चलता फिरता बैंक वाला पैसा लेकर आ जाएगा, हाँ, तुम उन पैसे का क्या करोगे? अरे चौधरी साहब, अरे हमने तो सोच लिया है का? कि सबसे पहले जब पैसे हमारे पास आएंगे ना तो हम चकाचक अपना मकान बनवाएंगे, और फिर और उसके बाद हम हमारी पंडिताएं अरे हवाई जहाज में बैठ के लंदन में घूमते जाएंगे। हाय हाय, और वहाँ क्या करोगे? अरे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? और कुछ नहीं करोगे? अरे वो नहीं खिलाओगे अंग्रेजी वाला, वो क्या कहते हैं, पिज्जा? अरे हाँ, वो तो भूल ही गए थे। अच्छा ठीक है, हम तो पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? हम हमारी हवेली में एक बाल रूम बनाएंगे। अच्छा, जिसमें टिमटिमाती लाइटिंग होगी, पीछे से संगीत बजेगा, हम अकेले होंगे, और हमारे साथ होगी ऊ कौन? अरे ऊ, लेकिन ऊ कौन? अरे अपनी ऊ। अरे अपनी ऊ तो कौन अपनी ऊ? अरे ऊ लंबे बाल वाली ऊ। अरे लंबे बाल वाली तो हमारे गांव में वो कलावती की सबसे लंबे बाल हैं। कौन कलावती? अरे वही जो झाड़ू लगाती है। तो फिर हमारी यह औकात है। अरे ससुरे जूलियट मैडम, अरे जरा सोच, बाल रूम, हम जूलियट मैडम, और गीत क्या? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पैसा, ये पैसा एक, पैसा ये, पैसा दो, हमेशा क्या एक दो लगा रखा है? बस एक दो नहीं, अब तो लाखों करोड़ों में पैसे मिलेंगे, तो हमें गाना पड़ेगा पैसा ए पैसा, लाख पैसा ए पैसा, करोड़। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या क्या? मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि आपके पास तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा है मुफ्त का, आपके परदादाओं का, आप इतना सारा पैसा क्या करोगे? एक काम करो, सारा पैसा तो मुझको दे दो ठाकुर साहब, मुझको गोद ले लो। अरे पगला गए हो क्या? इतने छोटे बच्चों को हम गोद थोड़े लेते हैं पागल, तू बड़ा हो जाएगा ना तब ले लूंगा। 18 के बाद करनी पड़ता है ठाकुर साहब। अरे 18 के हो लेकिन 18 इंच के हो ना सासुर। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये पैसा मिलेगा हमका तो हमने सोचा है। क्या सोचा ठाकुर साहब? कि हम कपड़ा खरीदूंगा सर। अरे ठाकुर साहब, इतने सारे कपड़े पड़े आपकी अलमारी में, सड़ रहे हैं वो। गधा कहीं का, हम कपड़ा अपने लिए थोड़े खरीदने जा रहे हैं। फिर 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 हम कपड़ा खरीदूंगा 6 फुट 1 इंच की मैडम के लिए, हमरे मन में 7.5 फीट का प्यार है, हम कपड़ा उनके लिए खरीदूंगा, उनके लिए। अरे लेकिन ठाकुर साहब, मैडम के पास भी तो कपड़े हैं। ओहो, क्या ढंग के कपड़े हैं? अरे 6 फुट के मैडम के लिए तो
तीन फुट के कपड़े हैं। सरकार शायद उनको तनख्वाह कम देती होगी जो ऐसे टांगे वाली बन के घूमती हैं। टांगे वाली मतलब टांगे ऐसी खुली रहती है ना। ना ना मैं इतने कपड़े खरीदूंगा उसके लिए, उसको कपड़ों में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ढक दूंगा। उनका चेहरा देखेगा कि नहीं? बस वो खाली हम देखूंगा। आप देखोगे? हाँ, वो कमीने चौधरी को उसका कुछ भी नहीं देखने दूंगा मैं, इतना ढक दूंगा मैं। वाह वाह ठाकुर साहब, वाह ठाकुर साहब, मुझे विश्वास हो गया कि आप भी ना, आप भी मेरी तरह सच्चा प्यार करते हो, एकदम सच्चा प्यार। ठाकुर साहब क्या कमाल का नेक ख्याल है आपका। ठाकुर साहब मैं बताऊं क्या, मेरे अंदर भी ना मन में एक नेक ख्याल है। क्या ठाकुर साहब? ये नेक ख्याल अभी से नहीं है, अभी से नहीं है। जब मैं इतना सा था ना, नहीं इतना सा था ना, तब से ये नेक ख्याल। तब से? मतलब तब से तू इतना ही है? नहीं अभी तो इतना हूँ ना। हाँ मतलब इतना ही फर्क है भाई। अरे इतना फर्क नहीं ठाकुर साहब, ये बहुत लंबा फर्क है। आपको पता नहीं है मैं कितना लटका था छाले पर। चले ये सब छोड़ो छोड़ो ठाकुर साहब, मेरे नेक ख्याल से सुनो। बताओ बताओ ठाकुर साहब। वो वाली फिल्म थी ना, फिल्म वो राजा बाबू चिक पक पक रही गोविंदा के पास ना, गोविंदा के पास एक वो थी बुलेट, नहीं बुलेट बुलेट साहब, मैं भी ना, मैं भी ऐसी ड्रैगन की बुलेट खरीदूंगा और फिर चमेली जी को अपने पीछे वाली सीट पे बिठाऊंगा। देखो ऐसे चमेली जी बैठिए बैठिए आराम से। हाँ बैठिए, हाँ हाँ मेरा हाथ पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। यहाँ 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 पकड़ लिया। अब हम चलेंगे ठीक है। अरे इडली बुडली बिडली इडली बुडली डू। अबे रुक रुक, बाजू में रख दो, इडली डोसा बाजू में रख दो, और फटफटिया जो है स्टैंड पे लगा दिया। लगा दिया, बहुत अच्छा किया। ये फटफटिया ससुराल चली था जो स्टैंड पे लगा दिए। अरे वो क्या ना ठाकुर साहब, मैंने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। अरे तो ससुर है बताना चाह रहे हैं कब से कि सपनों की दुनिया से नीचे उतार और असलियत में आ। अरे ठाकुर साहब असली पिछली बच्ची है क्या? क्यों क्यों? क्योंकि कल बहुत सारा पैसा आने वाला है ठाकुर साहब। अरे पैसा तो बहुत सारा मिलेगा, हमको तो ऐसी खुशी हो रही है, ऐसा झूमने का नाचने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, लेकिन ससुर ढंग का गाने नहीं याद आ रहा है। क्या करें बताओ? पीछे आओ। कहा कहा हम बताते हैं ना, बता हम गाते। एक मिनट में ये डंडा रख दूँ। हाँ, रख दे। ये रख दिया। ठाकुर साहब हाँ बता, जैसा मैं करूँ वैसा आप करो। हाँ, ऐसे करो, ऐसे लार भी गिराना है। ऐसे ऐसे ठीक है, अब मैं जो गाऊंगा मेरे पीछे गाना। क्या करो? अरे कुछ नहीं, सारी क्या हुआ ठाकुर साहब? अरे बकरियां जमा हो रही ससुर यहाँ एक तो। अरे बकरी ठाकुर साहब, वो मैं गा रहा हूँ, समझते कि नहीं? मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझ जाओ कि मैं किसकी आवाज में गा रहा हूँ। क्या कर रहे हो आपको? अरे अरे मतलब समझ जाओ किसकी आवाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा रुक करके गाना है? ऐसा रुक करके गाना है। ओ बे रुक रुक के गाना है, रुक के गाना है। अच्छा रुक रुक गाते हैं। जूलियट मैडम हाकी हो जाए, अचमेली देवी तो हाक हो जाए। अरे बस इतना सा ख्वाब है। सरपंच जी हमको बताइए ना, जब इतना ढेर सारा पैसा आ जाएगा आपके पास अत्तर लगा के, तो क्या करेंगी? अरे राम खिलावन, हमने सब सोच रखा है, हम शहर में एक 9 स्टार होटल बनवाएंगे। 9 स्टार नहीं, 5 स्टार होटल होता है ना अतर लगा के। अरे मुए हमरे पैसे हैं, हम 9 स्टार बनवाए, 12 बनाए, 15-25 स्टार बनवाए, तुम्हें उससे का लेना देना है? अच्छा अच्छा गलती हो गई, हाँ बताइए ना, आगे आगे बताइए ना। आगे? अरे उस 9 स्टार होटल में हम फिल्म की शूटिंग कराएंगे। अच्छा, और फिल्म का नाम होगा
दुल्हन वही जो पड़ोसी मन भाए। अरे बाप रे, तुझे पता है पड़ोसी का रोल कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, सनी देओल, और बाप के रोल में हम अमिताभ बच्चन को रखेंगे। दुल्हन का रोल पता है कौन करेगा? दुल्हन का रोल कौन करेगा? कौन करेगा? बस तमी जितना भी नहीं मालूम है। नहीं, चमेली देवी करेंगी। दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय ने जो लाल रंग की फराक पहनी थी ना, पैसे दे के हम वैसी फराक बनाएंगे और ऐसे ऐसे करके नाचेंगे फिल्म में, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया लगेगा, आप ऐसे ऐसे करके चलेंगी तो। हमरा छोड़, तू बता तुमने का का सोचा है? हमने तो सोचा है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। हाँ, हाँ। 10 मुर्गी खरीदेंगे। अरे वाह, वो 10 मुर्गी अंडा देंगी, फिर वो अंडे से मुर्गियाँ होंगी, फिर वो अंडा देंगी। हाँ। ऐसे कर करके ढेर सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, हम बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म का मालिक बन जाएंगे। अरे पोल्ट्री फार्म नहीं होता, पोलाटारी फार्म होता है, पोलाटारी। अच्छा, पोलेटारी फार्म, यानी कि हम मुर्गी फार्म का बहुत बड़ा मालिक बन जाऊंगा। हाँ। और कैटरीना कैफ से शादी करूंगा। अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। और जब इतना बड़ा पोलेटारी फार्म होगा, हाँ, तो उसको देखने के लिए ढेर सारे लोग चाहिए ना। हाँ। तो मैं ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगा और आपकी सड़ी हुई नौकरी को लात मार के चला जाऊंगा। बदतमीज, बेवकूफ, बालचोसा, बालमुहा, अरे तू हमारी नौकरी छोड़कर कहां जाएगा? हम अभी के अभी तुझे इस नौकरी से निकालते हैं। नहीं 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 सरपंच जी, हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए लेकिन आपकी नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे अतर लगा के। माफ कर दीजिए। तो ठीक है, हमने तुझे माफ किया, अब जा हमारे लिए चाय लेकर। अच्छा ठीक है, जाते हैं। अरे आजा दबांग। ठाकुर साहब जल्दी करो, जल्दी करो। मतलब आप तो ऐसे सज रहे हो जैसे अभी यहाँ से डायरेक्ट आप घोड़ी पे बैठने जा रहे हो। वहाँ पे क्या बहुत सारी लड़कियां आपका इंतजार कर रही है क्या? अरे ठाकुर का इंतजार तो 40 गांव की लड़कियां कर रही हैं। 40 गांव? डॉन, डॉन। हाँ डॉन, लेकिन ठाकुर जो है अकेली जूलियट का इंतजार कर रहा है कि कब वो ससुर आए, हमारा घर सज जाए, सज जाए। लेकिन ठाकुर साहब वहाँ पे ना एक आदमी और है जो कि आपसे भी हैंडसम है, वो वहाँ पे आ रहा है आज। हमसे हैंडसम? हाँ। कौन रे? हाँ? चौधरिया, चौधरिया। अरे छोड़, ओ चौधरिया के खानदान पता है तुमको? उसके दादाजी जो है ससुर साल में 2 ही दिन नहाते थे। क्या बात कर रहे हो? एक मकर संक्रांति के दिन और एक करक संक्रांति के दिन। अरे इसीलिए उसकी दादी जो है साल में 2 ही बार ससुराल आती थी। अच्छा। हाँ। अरे लेकिन हम चौधरी साहब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो फिर? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। अपनी बात कर रहा है? अरे छोड़, 10 साल से ससुर एक चमेली को पटा नहीं पाया और लड़कियों को क्या खाक पटाएगा तू? अरे पता नहीं वो क्यों नहीं पट रही है, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूँ जितना मैं आपसे भी नहीं करता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, अब पट जाएगी। हे भगवान, पटेगी पटेगी, देख रहा है क्या हालत बना लिया है। भगवान इनको जूलियट मैडम दो और मुझको चमेली जी दो। चमेली ना, सारा फूल तोरे बस में आ जाए। चले क्या? चले चले चले। जय भम भोले, जय शिव जी, जय आपकी कृपा रहे हम पर कृपा रहे, प्रभु भार है। जूलियट मैडम हमारी हो जाए, जूलियट मैडम हो जाए, आपकी कृपा हमारे पर रहे। चौधरी साहब, अरे हम घर में देख के आ रहे हैं और आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा नहीं खत्म हुई, कमाल के आदमी हैं आप, माल निकाल के। अरे पंडित जी, पूजा करना तो बहुत जरूरी था, हम ससुरा रात भर हिसाब करते रहे, नींद ही नहीं आई और सुबह नींद लेट खुली, अब क्या करें? चलो चलो जल्दी चलते, चलो 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 चलो। ये लो। अरे कमाल है भाई, चप्पल तो पहन लो क्या, नंगे पैर चलोगे क्या? आओ सारी सारी। आराम के साथ चलो, आराम से, ये बैंक वाले भाग नहीं जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, शांति के साथ चलिए। तो तुरे शांति का नाम हमारे सामने लेना मत, उस दिन उस शांति के चक्कर में पैसे हमारे जमा होते रह गए। ठीक है,
अच्छा चलिए चलिए आइए आइए शांति की तुम है राम खिलावन जी। आजकल तो छाता ठीक से नहीं पकड़ता है अगर हमारा जरा सा भी मेकअप उतरा ना और हमारा मेकअप खराब हो गया तो हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे कह देते हैं अरे नहीं नहीं सरपंच जी आप जैसे कहेंगे ना हम वैसे ही छाता पकड़ेंगे तो हमारा पैसा मत काटिएगा कृपया उस दिन जो चेक फाड़ दिया था हमने तुम्हारा उसकी एक एक पाई हम तुमको दे देंगे तो पकड़ हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान आप जैसा मालिक सभी पियो को दे अतर लगा के ज्यादा मक्खन मत लगाओ सब समझते हैं हम चल रख दे मेकअप का सामान अच्छा अच्छा जल्दी करिए लूट हो जाएगी अरे मुझे लूट नहीं होता है लेट होता है लेट अच्छा अच्छा हाँ समझ गए छाते वाली बात याद है ना हमारा पैसा कट जाएगा सब पैसा मिल जाएगा भगवान हमको लगता है सब पैसा ले जाने के लिए टेम्पू बुलवाना चाहिए अरे नहीं नहीं वो बुलाएंगे ना बैंक वाले बैंक में भर के अरे तो ससुर हम कूलिए हैं क्या बैग उठा के लेके जाएंगे अरे मैं ना ठाकुर साहब मैं तो पैसा उठाने के लिए मरा जा उठाऊंगा पैसा उठाऊंगा रुक आ रहे कि नहीं देख रहा हूं अरे तुम भी अमीर हो जाओगे पैसा लुटाने सब आ गए चलते फिरते बैंक वालों की गाड़ी आ रही होगी चाचा तो भाई देख के आते हम लोग क्या खोले हैं आई उधर देख उधर उधर अरे नहीं 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 सरपंच जान जब बहुत दूर दूर तक देखे अतर लगा के नहीं आ रही गाड़ी अरे तो कोई बात नहीं फिक्र की क्या बात है सब लोग खड़े खड़े थक गए होंगे चल सबको गांव वालों को मेरी तरफ से चाय ठीक है थोड़ी देर में ही जाता हूं जमील जी हमारे लिए जूस मंगवाइए अनार का क्यों तुम्हारे बाप की शादी है का अरे वो तो कब की हो गई तभी तो मैं पैदा हुआ आपके लिए अरे भाई और बहनों घबराने की कोई जरूरत नहीं है उका है कि शरीफ लोग हैं बेचारे आते आते गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया होगा चाचा आ रहे हो देखते 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 कितने घंटे ऊपर हो गए रे अरे 3.5 घंटे के ऊपर आधा घंटा और हो गया अब सरपंच आयन जी अब हमको नहीं लगता कि कोई गाड़ी आएगी और पैसा देगी हम तो पूरे लूट गए अरे हमने घर के सारे गहने सहने प्रॉपर्टी के कागजात इकट्ठा करके बैंक में गिरवी रखे थे और उससे पैसे लेके आए थे और वो सारे पैसे हमने उसको दिए थे अरे ठाकुर साहब हमने तो पिछले 10 सालों से जितना भी वो ब्लैक और व्हाइट मनी इकट्ठा किया था सारा उस चलते फिरते बैंक में जमा कर दिया क्या होगा बड़े मालूम रहते वो भी लूट गए अरे मैडम हेलो एवरीवन मैडम बोरिया बिस्तर लपेट के खुशालपुर को छोड़ के जाने की तैयारी हो रही है ना ना जाइए जाइए इसमें आपकी कोनो गलती नहीं है जाइए आप देखिए ना आपके इतने पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी हम ससुर अनपढ़ गवार हो के रहे और वो ससुर हमारा सब पैसा लूट के चला गया अब हम कौन से मुंह से आपको रोकेंगे मैडम मैडम हम तो ससुर लुट गए बर्बाद हो गए कमाल है मैडम आप हम पर हंस रही हैं मैडम वो चलते फिरते बैंक वाले हमको चूना लगा गया और आप हंस रहे हो मैडम भूल जाइए इस बात को क्या आपने खुशालपुर के लोगों को अंग्रेजी सिखाने और पढ़ाने की ठान ली थी मैडम देखिए एक तो पैसे का दुख और ऊपर के आपके जाने का दुख हे भगवान इतना दुख हम कैसे सहेंगे बस करो अगर मैं आप लोगों का ये दुख दूर कर दूं तो आपके लूटे हुए पैसे वापस लौटा कर कैसे अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं आप
वो चलते फिरते बैंक वाले हमारे पैसे लेकर चलते फिरते निकल पड़े। आप कहाँ से देंगी? चौधरी जी, जब मुझे पता चला कि इस गांव में एक चलता फिरता बैंक आया है तो मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने दबंग से इस बारे में बात की। और जैसे ही वो लोग गांव से भाग रहे थे, दबंग ने उनकी खूब पिटाई की और सारी बात उगल दी। और अभी वो लोग हवालात में पहुंच गए। मैं आप लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने दबंग को चुप रहने को कहा और आप लोगों के साथ एक्टिंग करने को कहा। क्यों दबंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये लो आप लोगों के पैसे। मैडम मैडम, मैंने क्या कमाल की एक्टिंग की है, मुझे इंस्पेक्टर ने मुझे तो एक्टर होना चाहिए। एक्शन एक्शन एक्शन। अरे आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए ससुर को। अरे थैंक यू वेरी मचान मैडम। चमली देवी, मचान नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई भाई, हमारे सारे गांव वालों की तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच है। थैंक यू थैंक यू। आपने हमारी लाज रखी, आपने हमें लूटने से बचा लिया। लेकिन आप लोगों के साथ ये दोबारा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है। अब हम बिना जांच पड़ताल के किसी भी बाहरी आदमी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेंगे। क्या जय हां जी। बोलो जूलियट मैडम की जय। जूलियट मैडम की जय। जूलियट मैडम की जय। जूलियट मैडम की जय।